असदुल्ला और आप देख रहे हैं हमारा लाइव चैनल। तो आज के अलग हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज रोज़ा है और इस सारे महीने में हम रोज़े रखेंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ मैं सेहरी शेयर कर लेता हूँ कि हम सेहरी कैसे कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो है इफ्तारी कैसे कर लेते हैं। तो ये आज का दिन मैं आप लोगों को पूरा जो मेरा डेली रूटीन है वो रोज़े में तो वो शेयर करूँगा। तो हमारे साथ यहाँ पर चावल है और यहाँ पर दूध है और असली घी भी है। तो जो चाय है वो पक रहा है। तो यहाँ पर बर्गर के लिए हमने जो अंडा है वो रेडी कर लिया है। अब हम बर्गर पकाएंगे। हम बर्गर को रेडी करेंगे। अरे यार उंगली जल गई। अरे वाह, आप भी कहेंगे कि यार ये तो हाथों से काम कर रहा है। तो ऐसा अब प्लेट में डालेंगे। काम करता हूँ यार। तो आप देख सकते हैं यार कि मैं भी काम कर रहा हूँ शहरी के टाइम पर। हम भी घर पर अकेले है तो बहन की शादी हो गई तो अब हम भी अम्मी के साथ काम कर रहे हैं। तो चलिए इस लॉक को और भी कंटिन्यू करते हैं और देखते रहे। स्किप नहीं है। यहाँ पर नीचे एक टुकड़ा बर्गर का है, फिर अंडा है। किचप डालेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किचप बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं किचप भी डाल दिया है। अब ये जो दूसरा टुकड़ा है तो यहाँ पर इसको रख देते हैं। ऐसा ये जो हमारा ब्रेड है वो रेडी हो गया है। अब मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो यार बहुत मज़ेदार है, मैंने खुद बनाया है। क्योंकि तो यार सेहरी कर ली है और अब रोज़े की नियत रखते हैं और वज़ू वगैरह कर लेते हैं और फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। अभी तक सोया नहीं हूँ यार, नींद आ रहा है। ये आके जो है वो पूरी तरह से नींद में है। जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बजे। तो अब इसके बाद जो है वो तो अब मैं जाता हूँ वज़ू कर लेता हूँ और फिर नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर सोता हूँ। सोने के बाद जब मैं उठ जाता हूँ तो फिर आप लोगों से। अच्छा तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कोट पहन लिया है। अप्रैल के महीने में ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है यहाँ पर 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है तो उसने बहुत ठंड बना लिया है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, खैर बारिश से पहले हमने भी कोट वगैरह रख दी थी। हमें लगा कि यार सर्दी ख़त्म हो गई। वैसे आपको भी तो पता है कि अप्रैल का महीने, सर्दी तो ख़त्म हो गई, अब जो है गर्मी आ गई है। तो उसका जो है हमने कोट वगैरह जैसे रख दी। रमज़ान भी आ गया उसमें, तो फिर बारिश आई और बारिश होने लगे तो उसने इतना टन बना लिया यार कि हमें रहा नहीं गया और हमने फिर से कोट वगैरह पहन ली। तो कोट पहनने का मेरा मेन रीज़न ये है। तो इस टाइम बारिश थोड़े से रुक गई है। मैं जा रहा हूँ शॉप और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना रहा हूँ। तो शॉप जा रहा हूँ, अभी इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें लूँगा और फिर शॉप से वापस आऊँगा। और आपसे मैंने एक बात कही थी कि हमारे डेली रूटीन क्या है। तो हमारे डेली रूटीन ये है रमज़ान में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम घर में अकेले बैठे हैं तो उसका मेन रीज़न आपको पता है कि मैं हॉस्टल से आया हूँ और यहाँ पर घर में ऐसे ही वेला बैठा हूँ। रमज़ान है, बस मस्जिद जा रही है और फिर मस्जिद से घर, मस्जिद और घर, मस्जिद और घर, ऐसा रूटीन चल रहा है। और अगर कोई काम हो घर पर तो वो कर लेते हैं, बट यार चल जाता है, कोई मसला नहीं। बस बहुत मज़ा आ रहा है, रमज़ान है, ठंड है और भूख भी थोड़ी सी लगी है। इसमें एक रीज़न है प्यास नहीं, बट भूख बहुत ज़्यादा है। तो उसका मेन रीज़न है कि ठंड है तो भूख तो लगेगा यार, ठंड में तो लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो यार अब मैं जाऊंगा शॉप में और शॉप में मैं जाकर इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें लूंगा। तो हमारे साथ रहे, कहीं जाना मत, आप लोगों के साथ अपनी इफ्तारी भी शेयर करूंगा। एंड यार ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका रोज़ा कैसा रहा आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल है, अचार है, हंडी, चपली कबाब और यहाँ पर कोफ्ते, चकनी पकौड़े और यहाँ पर फिर चावल। तो अब 2-3 मिनट बचे, हम दुआ कर लेते हैं और फिर
उसके बाद खाना खा लेते हैं, और यहाँ पर जूस भी है केले का। खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। अच्छा यार, तो इफ्तारी कर ली है, खाना भी खा लिया यार, हम बहुत मज़ा आया, भूख लगी थी। तो हमारा आज का इलाक यही तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक।